नमस्कार, अनीता स्मार्ट किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज की हमारी रेसिपी है चंद्रकला रेसिपी, जिसे चंद्रकला गुजिया भी कहते हैं। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। चंद्रकला गुजिया बनाने के लिए हमने 1.5 कप मैदा लिया है। इसे एक बर्तन में ले लेंगे। और इसी मैदे में हम 1/2 चम्मच बेकिंग पाउडर डालेंगे और 1 चुटकी नमक डालेंगे। नमक से स्वाद अच्छा बढ़ जाता है मीठे का। और इसमें 1 बड़ा चम्मच घी डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे मैदे में। और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका हम आटा गूंदेंगे। आटा गूंद चुका है, इसे 10 मिनट के लिए साइड में रख देते हैं। और गैस की फ्लेम को चालू करके कढ़ाई रखेंगे। इसमें 2 चम्मच देसी घी डालेंगे। इसमें 1/4 कप सूजी ली है हमने, इसे डाल देंगे और गोल्डन ब्राउन होने तक इसे सेकेंगे हम। गोल्डन ब्राउन हो चुकी है सूजी। इसमें हम ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। ड्राई फ्रूट्स आप अपनी पसंद के कोई से भी डाल सकते हैं। मैं काजू, बादाम और पिस्ता डाल रही हूँ। और इसी के साथ थोड़े से किशमिश भी है। इन्हें अच्छे से मिक्स करेंगे 1 मिनट ऐसे ही चलाते हुए। और इसमें 1/4 कप हमने शक्कर डाली है, इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें हमने 1/4 कप मावा लिया है, इसे हाथ से मसल कर डालेंगे। और इसे हम 2 से 2.5 मिनट के लिए ऐसे ही चलाते हुए पकाएंगे, थोड़ा मावे का कच्चापन निकल जाए। और हमारी स्टफिंग बनके तैयार है। इसमें हम आखिर में इलायची पाउडर डालेंगे 1/2 चम्मच। और इसे 1/2 मिनट और ऐसे ही चलाते हुए गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं और इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अब फिर से हम एक कढ़ाई रखेंगे, गैस की फ्लेम को चालू करेंगे और इसमें हम 1 कप शक्कर डालेंगे और 2 कप पानी डालेंगे और इसकी चाशनी बनाएंगे। जब तक हमारी चाशनी बनती है, हम आटे की तरफ आ जाते हैं और इसे फिर से हाथ से थोड़ा सा मसल लेते हैं। और इसकी हम छोटी छोटी लोइयां तोड़ेंगे। हम जो पूरियां बनाते हैं उससे भी छोटा शेप में हमें इसकी लोई तोड़नी है। और इसे हम अब बेलन से बेलेंगे। बिल्कुल छोटी सी पूरी हमें इसकी बेलनी है। और दोनों पूरियां एक सेम साइज की होनी चाहिए। एक पूरी बन चुकी है, दूसरी को भी उसी साइज की बना लेते हैं। और इसे हाथ में रख के हम थोड़ी सी स्टफिंग रखेंगे बीचों बीच। और इसके चारों तरफ हम किनारों पर उंगली की सहायता से पानी लगाएंगे। और दूसरी पूरी को इसके ऊपर रख देंगे और आसपास से इसको उंगली की सहायता से किनारे दबाते हुए इसको पैक कर देंगे। और अब हम इसकी चंद्रकला गुजिया बनाएंगे। इसकी जो आसपास की डिज़ाइन होती है बड़ी थोड़ी सी मुश्किल होती है, लेकिन बनाने में जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आसान हो जाएगी। एक साइड से हमें इसे दबाना है और पलट के उसके ऊपर रख देना है, फिर हल्का सा दबाना है, फिर उसके ऊपर रख देना है। इसी प्रकार हमें पूरे राउंड को पूरा करना है। शुरू शुरू में बनाना थोड़ा मुश्किल लगती है, लेकिन 1-2
चंद्रकला गुजिया बनाने के बाद में ये इजी हो जाती है। कुछ नहीं करना, सिंपल हमें उंगली और अंगूठे की सहायता से दबाना है और उसके ऊपर पलट के रख देना है, फिर दबाना है और पलट के ऊपर रख देना है इसको, और पूरा राउंड ख़त्म होने पर हमारी चंद्रकला गुजिया बनके तैयार हो जाएगी। और इसी प्रकार हम सारी चंद्रकला गुजिया बनाकर तैयार कर लेंगे। हमने गैस पर एक कढ़ाई रख के ऑयल पहले से गर्म होने के लिए रख दिया है। जैसा कि आप देख रहे हैं चंद्रकला गुजिया बनके तैयार है। तेल गर्म हो चुका है, इसमें हम एक एक गुजिया डालकर फ्राई करेंगे। इसे मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करेंगे हम। एक बार की गुजिया तलने का हमें कम से कम 2 से 2.5 मिनट लगेंगे। ये तल चुकी है, इसे हम निकाल लेते हैं और जो हमारी चाशनी बनी थी इसमें हम इसे डाल देंगे। वो चाशनी में हमें ज़्यादा देर नहीं रखना है, इसे सिर्फ 1 मिनट के लिए इसे पलट देंगे। वो पलटने के बाद में फिर इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं और हमारी चंद्रकला गुजिया बनके तैयार है। इसी प्रकार सारी गुजिया बनाकर हम तैयार कर लेंगे। तो आप सभी को मेरी चंद्रकला गुजिया की रेसिपी कैसी लगी, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इसी के साथ मिलते हैं अगली नई रेसिपी में, तब तक के लिए धन्यवाद।